चंपावत जिले के टनकपुर में स्थित संयुक्त चिकित्सालय का प्रबंधन इन दिनों पशुपेश में पड़ा हुआ है। अस्पताल की परेशानी का कारण है, पिछले 17 दिसंबर की रात को 108 के द्वारा सरकारी अस्पताल टनकपुर में लाई गई वो महिला जिसने अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दे दिया। मानसिक स्थिति से कमजोर लग रही ये महिला अपना नाम और पता बताने में असमर्थ है। वहीं अभी तक उस महिला का पता अस्पताल प्रबंधन को नहीं लग पाया। महिला और नवजात बच्ची जहां दोनों स्वस्थ हैं, वहीं इसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा पुलिस और एसडीएम को भी दी गई, लेकिन अभी तक महिला के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि अस्पताल महिला और बच्ची को अपने संरक्षण में अभी भी रखे हुए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इस मामले में जानकारी जुटाने में जहमत नहीं उठा पा रहे हैं। अब जच्चे बच्चे दोनों ठीक है, जब इसको भर्ती किया गया था तो हमने इसकी सूचना पुलिस विभाग को भी दे दी थी। डिलीवरी के उपरांत जो है इसकी सूचना हमने एसडीएम टनकपुर को भी दे दी और हमारे उच्च अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी दे दी गई है सूचना और उसकी कॉपी या डीएम साहब को भी कर दी गई। इस संबंध में पुलिस विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि एक ऐसी महिला जो जिसके संबंध में कोई जानने वाला कोई है नहीं, तो कम से कम उस महिला को यदि वो अब उसको कोई जाने वाला नहीं है तो कम से कम न्यायालय के माध्यम से सक्षम जहाँ पर उनकी महिला को सुविधा मिल सकती है वहाँ पर उसको भेजना चाहिए। संवाद 365 के लिए चंपावत से दीपक चंद्रा की रिपोर्ट।